मंडियों में हल्की और मीडियम क्वालिटी की तुअर काफी कम दाम पर आसानी से मिल रही है। अफ्रीकी तुअर के दाम में खासी कमजोरी आने और 15 सितंबर से अफ्रीका का तुअर आयात बढ़ने की संभावना है। इधर सरकारी दखलंदाजी की भी घबराहट बनी रहने के कारण तुअर में फिलहाल तेजी नजर नहीं आ रही। हालांकि लंबी अवधि में अच्छी क्वालिटी की तुअर का फंडामेंटल ज्यादा मंदी का नहीं है। इसका मेन कारण है कमजोर घरेलू स्टॉक का कम होना और साथ ही अच्छी क्वालिटी की तुअर अवेलेबल न होना। वहीं देश में तुअर की सोइंग 20-25% तक कमजोर रहने की उम्मीद है। विभिन्न राज्यों द्वारा तुअर दाल खरीदी टेंडर NCCF द्वारा महाराष्ट्र में बाजार भाव पर 1,20,000 टन तुअर खरीदने की योजना है। व्यापारियों का कहना है कि तुअर की सोइंग भले ही कम हुई है लेकिन अभी भी सारा दारोमदार मौसम पर निर्भर करेगा, क्योंकि अच्छे मौसम से बेहतर यील्ड में कुछ भरपाई की जा सकती है। तुअर में आगामी समय में सीमित उठापटक बनी रह सकती है लेकिन नई तुअर आने के पहले सप्लाई टाइट जरूर दिखेगी, जिसका बाजार पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में तुअर महाराष्ट्र सफेद 7500 से 7700 रुपए, कर्नाटक तुअर 7600 से 7700 रुपए, वही निमाड़ी तुअर 6600 से लेकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।